हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाली एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो फिर से स्थगित कर दी गई है, क्या फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। एक न्यूज़ क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज़ क्लिप दिखा देती हूँ जो कि दैनिक जागरण के 30 जुलाई के एडिशन में आई हुई है। इसकी हेडलाइन थी 8 अगस्त को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो 6 अगस्त को पेपर होना था आप लोगों का, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो अब 8 अगस्त को होगा। तो ये कितना सही है, कितनी सच न्यूज है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां अभी तक भी 6 अगस्त को जो आपका एग्जाम होना है उसी का नोटिस पड़ा हुआ है। अब तक 8 अगस्त के बारे में कोई भी अपडेशन नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं है। तो आप इस न्यूज़ को बिल्कुल फेक समझिए कि ये एक फेक न्यूज़ है। आपका जो एग्जाम है वो 6 अगस्त को ही होगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो इसमें बताया गया है 30 जुलाई को होने वाली सत्र 2021 से 2023 को बीएड परीक्षा को प्रदेश सरकार ने स्थगित कर दिया है। अब 8 अगस्त को ये परीक्षा होगी। इसमें एक चीज़ नहीं बताई गई है। देखिए, 30 जुलाई में जो ये एग्ज़ाम होने वाला था, सबसे पहले मैं बता दूँ ये 19 मई को एग्ज़ाम होने वाला था। आप लोग सभी जानते होंगे 19 मई के बाद में 18 जुलाई इसको किया गया कि अभी 18 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। 18 जुलाई के बाद में 30 जुलाई को इसकी डेट रखी गई और 30 जुलाई के बाद में नोटिस आया कि अब ये पेपर 6 अगस्त को होगा। ठीक है, लेकिन इस वाली जो ये न्यूज़ क्लिप है इसमें 30 जुलाई से सीधे स्किप कर दिया गया है 8 अगस्त पर। अगर ये न्यूज़ सही होती तो इसमें 30 जुलाई को होने वाली परीक्षा की जगह आता 6 अगस्त को होने वाली परीक्षा अब 8 अगस्त को होगी। तो इस न्यूज़ को आप बिल्कुल फेक समझिए। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 अगस्त को होगा। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की तिथि जब 30 जुलाई से 6 अगस्त की गई थी, उसकी वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दूसरी बार अपनी डेट शीट में चेंज किया था। अब जो डेट शीट थी वो किसकी थी, जो ऑफलाइन परीक्षाएं होनी है, जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन चल रहे हैं वो 5, 6 और 7 अगस्त को हैं, उन सबको पोस्टपोन करके आगे की डेट दे दी गई है जिससे कि आपका एग्जाम 6 अगस्त को पूरा कराया जा सके। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मतलब प्रशासन है उसने कहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है उस दिन कोई और एग्ज़ाम ना रखें ताकि जो जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं उनकी और कोई परीक्षा ना हो उस दिन। इस वजह से 6 अगस्त को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं कि जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो कब से जारी होंगे या हो चुके हैं, क्या है। ठीक है, तो भाई इसके लिए अगर आपने पहले अपना कोई प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है तो वो भी मान्य होगा, यानी कि वो भी वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे डेट चेंज हो गई है आपने, आपको दूसरा ही जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है। अगर आपने पहले डाउनलोड किया हुआ है अपना एडमिट कार्ड तो वो भी उतना ही वैलिड होगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट डेट आए कि भाई आपका जो एग्जामिनेशन है वो 6 अगस्त उसमें पड़ी हुई हो डेट, तो वो बिल्कुल आपके 28 जुलाई को बोला गया है कि 28 जुलाई को हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल 28 जुलाई को बोला गया था कि ये 28 जुलाई को आपके जो भी संशोधित एडमिट कार्ड हैं वो आपके जारी हो जाएंगे, आप लोगों ने डाउनलोड कर भी लिए होंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये न्यूज़। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई के बजाय अब 6 अगस्त को होगी। परीक्षा का आयोजन कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा है कि इसमें पहले जारी प्रवेश पत्र भी मान्य होंगे। हालांकि संशोधित प्रवेश परीक्षा तिथि के साथ प्रवेश पत्र अपलोड किए जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी 28 जुलाई से 4 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको 4 अगस्त से पहले पहले कर लेना है क्योंकि 2 दिन के बाद में आपका एग्जाम है। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक यानी कि जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रम यथावत रहेंगे। परीक्षा केंद्रों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 6 अगस्त को कोई और परीक्षा ना आयोजित करें। इसके अलावा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया था जिसमें बताया गया था कि आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो 6 अगस्त है, उसमें 2 डेट और दी गई थी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो परिणाम यानी कि आपका रिजल्ट आना है वो 27 अगस्त को बताया गया है कि 27 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। 6 अगस्त को आप एग्जामिनेशन देंगे और 27 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर बात करें ऑनलाइन काउंसलिंग की, मतलब कि स्टार्टिंग डेट क्या है, तो वो 1 सितंबर से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर बात करें कि आपका जो सेशन है, शैक्षणिक सेशन जो है वो कब स्टार्ट होगा, तो वो 6 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा, ये भी उस नोटिस में दिया गया है। आप लोग चाहें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के वहां से वो नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बिना वजह
गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जामिनेशन 6 अगस्त को है, 6 अगस्त के चक्कर में 8 अगस्त को अपने सेंटर पर मत चले जाइएगा, क्योंकि वहां पर 6 अगस्त को ही पेपर करा लिया जाएगा। कभी आप इस चक्कर में बैठे रहें कि आपका पेपर 8 अगस्त को है, बिल्कुल भी नहीं, 6 अगस्त को, बिल्कुल नोट कर लीजिए, 6 अगस्त को आपका एग्जाम है। और 6 अगस्त को भी दो शिफ्ट में आपका एग्जाम है, पहले 9 से 12 बजे तक है, 9 to 12 है, और दूसरी जो शिफ्ट लगेगी आपकी 2 से 5 बजे तक लगेगी, ठीक है। तो आपने अपनी शिफ्ट जरूर अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या फिर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग भी आज हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।